हेलो एवरीवन चलो मार्केट को देखने की कोशिश कर सकते हैं मार्केट का मोमेंटम करेगा हम कौन से डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है

पहली कैंडल रेड भी बना देता है तो भी मैंने आपको क्लियरली बोल के रखा था कि सेलिंग के लिए आपको मना करके रखा था सेलिंग नहीं करना है मुझे पता है कि आप बहुत से लोगों को ये याद नहीं होगा बहुत से लोग ऑलरेडी भूल चुके होंगे मुझे पता है आप इतना ज्यादा याद नहीं रखते हो मुझे तो अच्छे से पता है क्योंकि आप बस एनालिसिस देखते हो लेवल देख के निकल जाते हो क्या एनालिसिस एक्चुअली में क्या होता है क्या नेक्स्ट लेवल का प्लानिंग होता है ये आप चीजों को आपको सीखने को मिलेगा क्लियर मैंने मेंशन किया था भले ही यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बने फिर भी जाकर जा, देख लेना निपटी यहां से अगर यूटर के आएगा तो फिर पहले यहाँ पर थोड़ा सा रुकने के बाद और अपसाइड मोमेंटम करेगा मैंने क्लियरली आपको मेंशन किया था दूसरी बात मैंने यहां पर और क्लियर मेंशन किया था कि अगर यहां से मार्केट निकल जाता है अगर आधा घंटा यहाँ पर मार्केट अगर ऊपर के साइड में रुक जाता है आधा घंटा अगर मार्केट यहाँ पर रुक जाता है तो उसके बाद और भी बड़ा मार्केट शूटअप कर सकता है आपको मैंने पहले ही अपडेट करके रखा था जैसे ही मार्केट को अगर आप देखते हो जैसे यहाँ पर मार्केट ऊपर निकला थोड़ा सा टाइम रुका और फिर निकला जो जो लाइन टू लाइन एनालिसिस

कल का वीडियो जाकर पूरी तरीके से देखिए आज का मार्केट ओपन करके देखिए दोनों को मैच करके देखिए एंड क्या ऐसी चीजें मैं देखा था क्या मुझे ऐसी चीजें पता थी कि जो आज मार्केट उस तरीके से वर्कआउट किया ये जाकर ढूंढी है समझिए तब आपको बहुत सारे ऐसे हिडन पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको सीखने के लिए मिलेगा आज के वीडियो पे मैं चाहता हूं कि आप 500 कमेंट करो करो ही करो मुझे नहीं पता आप कैसे करने वाले हो कुछ भी करो लेकिन कर दो आज के वीडियो पे अगर आप 500 कमेंट करते तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि जितने मैं डिटेल्स में एनालिसिस दे रहा हूं जितना परफेक्शन के साथ में बता रहा हूं मार्केट में वो होता ही होता है आपको पता है बस आज के वीडियो पे आज कमेंट करके बता देना आज के वीडियो पे अगर आप कमेंट करके मुझे बता दे तो इस फ्राइडे पे मैं कल के दिन पे आपको ऐसा वीडियो देने वाला हूं ऑलरेडी शूट करके रेडी है वीडियो पूरी तरीके से वीडियो रेडी है सारा कुछ रेडी है ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड भी हो चुका है कल का बस कल जैसे मार्केट खत्म हो जाएगा वो वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाएगा जाकर वीडियो देख लेना आपका नहीं अगर आपकी आंखें खुली नहीं अगर आपका माइंड बदला तो मुझे बता देना जरूर कमेंट करके तो प्लीज आज के वीडियो पे जाकर इतने ज्यादा कमेंट कर दो इतने ज्यादा कमेंट कर दो ताकि मुझे मजा आएगा थोड़ा सा आपको समझाने में और सिखाने में तो अभी फिलहाल अगर हम मार्केट को एनालिसिस को देखते हैं मार्केट ने क्या कह देखो लास्ट में लास्ट आधे घंटे में मार्केट ने शार्प सेलिंग किया है अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करोगे मुझे पता है, भरोसा नहीं मैं, से मैं बाद में सेलिंग भी आएगा ये भी प्लान में ही था अब कुछ लोग बोलेंगे क्या तुम बस फेंक रहे हो ये फिर कोई दिक्कत नहीं वेट करो मैं दिखा देता हूँ आप यहाँ पर देखते हो तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा ये मैसेज क्या पड़ी है यहाँ पर क्या लिखा रहा है ये ये जो लोग

मार्केट यहाँ से अपसेट यहाँ से अपसेट जाएगा ही जाएगा लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पता था कि मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ से नीचे भी आने वाला है तो ये बाइंग साइड में मुझे बहुत जल्दी जल्दी से ट्रेलिंग एसेट डालना पड़ेगा आपको याद भी होगा मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में आपको बता भी तो कल के एनालिसिस में मैंने आपको पहले तो बता तो दिया था कि मार्केट अगर यहां से अपसाइड निकल जाता है तो शूटअप करेगा लेकिन बाद में ये भी तो मैंने पहले आपको बता के रखा था कि मार्केट यहां से निकलेगा तो ट्रेलिंग साथ चलते रहना ये का पता पहले जाकर ऊपर आकर वापस इसी रेंज के अंदर अंदर आ जाए अगर आप देखोगे तो यहां से इसका प्रॉपर ब्रेकआउट होगा वापस उसी जोन के पास तो बनते आ ही चुका है मतलब अब इसे समझ गए होंगे कि क्या एनालिसिस होती है और क्या नेक्स्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग मार्केट का होता है अगर आप इस टाइप का अंडरस्टैंडिंग करने लगोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका पैसा इतना जबरदस्त तरीके से बनने लगेगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि इतना भी सच में इजीली पैसा बनता है और क्या बनता है क्योंकि एनालिसिस हम उतनी टॉप लेवल की कर रहे हैं नेक्स्ट एडवांस लेवल की कर रहे हैं ये आपको कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलता है ये कहीं पर भी कोई सीखने को मिलता ही नहीं है तो बस चार्ट को समझिए चार्ट को प्रॉपर फॉलो कीजिए अगर आपको पैसा बनाना है बड़ा पैसा बनाना है तो तो फिलहाल के लिए देखते हैं अगर यहां से देखते हो तो बड़ा सेलिंग मार्केट में आया है लास्ट दो कैंडल में ही मतलब लास्ट हाफ एन आवर में मार्केट में बहुत बड़ा शार्प सेलिंग यहां पर आ चुका है तो ये कैंडल कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा से ज्यादा सेलिंग में दिख रही है तो मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूं ये देखना पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए पहले एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं बैंक निफ्टी का अगर मैं आप चार्ट देखते हो तो बैंक निफ्टी ने कल के ही जोन पे मैंने आपको टेलीग्राम पे एक चीज ऑलरेडी मैंशन करके रखा था अगर यहां से बैंक निफ्टी फोर्टी फोर थाउजेंड टू एटी को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर जाता है तो बैंक निफ्टी को बाय करो मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम करेगा क्लियर क्लियर मेंशन करके रखा था अगर आप यहां से देखते हो तो लगभग से अगर देखते हो तो ये नियर अबाउट डेढ़ सौ के आसपास का टारगेट यहां पर इसने आपको दे दिया होगा होप आपने भी प्रॉफिट जनरेट किया होगा क्योंकि ये प्रॉफिट हमने ऑलरेडी प्लान में बनाया था और मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर भी किया रखा है ताकि आपको वो एनालिसिस से पैसा बने इसीलिए लास्ट आवर में अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखते हो तो सेम कंडीशन में यहां पर भी एक बार सेलिंग आ चुका है ये सेलिंग जरूरी था और ये सेलिंग आएगा ही आएगा ये पूरा प्लान में था फिर भी नहीं बिलीव कर पा रहे हो दिखा देता हूं ऊपर का एक लेवल है मैं सारी चीजें तो नहीं दिखा सकता मैं क्या चीजों का मेंशन कर रहा हूं यहां पर मैंने क्लियर ऊपर की साइड में मेंशन किया आप देख सकते हो यहां पर पुल बैक ऑलरेडी मेंशन कर रखा है क्या ऊपर से मार्केट नीचे आएगा क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे आएगा स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन मार्क करके मैं डाल देता था ताकि वो चीजें समझने में उनको मजा आ जाता है वो चीजें समझने में उनको आइडिया आ जाता है कि मेरा मनना क्या है मैं सोच क्या रहा हूँ मेरा माइंडसेट क्या है उनको इससे सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है अब आपको भी ये चीजें समझ में आ रही होगी आप भी पैसा बनाने के लिए उसमें कोशिश कर रहे होंगे अभी फिलहाल के लिए हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो फिलहाल के लिए कल के लिए हम बैंक निफ्टी को थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान करने वाले हैं हम थोड़ा सा कल सेलिंग के लिए और एक सेलिंग के लिए प्लान करेंगे उसके बाद मार्केट को बाइंग के लिए प्लान बना सकते हैं आप भी जिस जगह पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुआ अगर आप ये लेवल को देखते हो ये लेवल के आसपास अगर आप बैंक निफ्टी देखते हो तो ये जगह पर बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर रहा है आप भी बैंक निफ्टी जिस जगह के आसपास आसपास क्लोज कर रहा है है एक तो कल का मार्केट गैप हो सकता है, या तो कल का मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है दोनों चीजें हो सकती है अगर, अगर कल का मार्केट गैप ओपन हो जाता है कहीं पर भी ये सिचुएशन की आसपास आसपास इतना ही गैपअप लाइक दैट के सोचो यहां तक अगर गैप ऑप ओपन हो रहा है चलो ठीक है कोई बात नहीं हम इसको सेलिंग के लिए प्लान बना सकते हैं अगर लेकिन बहुत बड़ा कुछ गैप अप वगैरह हो जाता है तो फिर यहाँ पर मार्केट को बाइंग करने के लिए हम वापस से प्लान बना सकते हैं क्योंकि जितना भी बड़ा सेलिंग आ चुका है अगर मार्केट कल ओपन ही हो जाए बहुत बड़ा जाकर गैप अप लाइक दैट फिफ्टी uh, के पास अगर ओपन हो जाता है 44, 320 के ऊपर ऊपर मार्केट ओपन हो जाता है ऐसा कुछ भी मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है तो बस एक शॉर्ट में हमें एक ग्रीन कैंडल को देखना है अगर एक ग्रीन कैंडल ये जगह के आसपास आसपास ऊपर के लेवल पे लेकिन याद रखना ऊपर के लेवल पे अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना देती है तो उसी ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर आप मार्केट को बाय कर सकते हो लेकिन एक वेट करना एक ग्रीन कैंडल को बनने दीजिए तीन कैंडल इसी के अंदर बनने दीजिए अगर फिर निकलेगा तभी बाय करना पहली कैंडल में मार्केट को मत बाय करना नहीं तो मार्केट क्या करेगा पहली कैंडल यहाँ पर ग्रीन बना तो देगा लेकिन फिर उसके बाद पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाकर इसी रेंज के अंदर अंदर वॉलिटेटी क्रिएट करेगा आपका स्टॉपलॉस से जाने के बहुत ज्यादा ज्यादा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपके स्टॉप से हिट हो जाए इसके लिए कल अगर आप ट्रेड करने वाले हो तो कल का आपका प्लान होने वाला सिंपल सा प्लान अगर कल मार्केट इसी रेंज में फ्लैट अगर ओपन हो जाता है तो मार्केट को हम क्विक सेल करना पसंद करेंगे जैसे ही लोअर को क्रॉस करेगा हम मार्केट को क्विक सेल करना पसंद करेंगे जो हमारा टारगेट निकल के आएगा फोर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी का के प्लान के लिए मैं प्लान कर सकता हूं ये टारगेट मैं फाइनल टारगेट की बात कर रहा हूं करू मेरा फाइनल टारगेट है उसके पहले का जो टारगेट है मेरा फोर्टी का एक राउंड नंबर है वही मेरा टारगेट रहने वाला है अगर फोर्टी लेवल से मार्केट अगर नीचे निकल जाता है तो मुझे जिस तरीके से लग रहा है मार्केट एक बार 880 के पास 900 के पास ये सारे लेवल के पास मार्केट एक बार दिखा सकता है मार्केट आ सकता है इट इज हाईली पॉसिबिलिटी इस तरीके से सेलिंग मुझे दिख सकता है पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां तक पहुंच जाए ऐसा कुछ मार्केट कर सकता है जो मेरी एनालिसिस मुझे बता रही है फिलहाल के लिए अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन हो लाइक like दैट मार्केट ओपन ही हो 44,350 के ऊपर एंड बस पांच मिनट भी अगर मार्केट ऊपर के साइड में सस्टेन करे 44,350, 44,400 इसके ऊपर मार्केट कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है तो इंटरेस्टिंग मार्केट देखने के लिए मिलेगा यहाँ से मार्केट और भी बैंक निफ्टी से आपको ऊपर लेवल पे शॉर्टअप कर सकता है शूटअप कर सकता है लेकिन उसके लिए मैंने जैसे बताया एक ग्रीन कैंडल को बनने दीजिए दो तीन कैंडल बनने के बाद निकल जाता है तो फिर से बाइंग के लिए प्लान बना सकते वरना पहली कैंडल में बिल्कुल भी बाय करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट जो दिखा रहा है वही है सही है बाकी सब कुछ गलत है तो वो सारी चीजों को देखना जरूरी नहीं है तो आप पूरी तरीके से प्लान समझ पा रहे होंगे एक बार चलो निप्टी को देख लेते हैं निी का चार देखा जाए तो निप्टी में कुछ ज्यादा बड़ा सेलिंग तो मुझे अगर आप यहाँ से देखते हो तो निफ्टी में कुछ मुझे ज्यादा बड़ा तो सेल पर दिख नहीं रहा है लेकिन स्टिल अगर यहाँ से निफ्टी जितना सेलिंग कर चुका है कल के लिए निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटल होने वाला है तो कल निफ्टी के लिए ट्रेड ट्रेडमं कर लेना अगर निफ्टी कहीं पर भी ये लेवल के पास अगर इसी के अंदर अंदर कहीं पर भी ओपन हो जाए तो निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटरिटी क्रिएट करेगा और इस वॉलिटरिटी में आपके स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा हंटिंग होने वाले हैं इसी रेंज के अंदर टाइम पास करेगा क्रिएट करेगा फिर ऊपर नीचे फिर नीचे इसी रेंज के अंदर अंदर रह सकता है ज्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है इसी तरीके से प्लान बना सकते हैं इसके ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन स्टिल मैं अगर एक एंट्री बता के चला जाता हूँ अगर निफ्टी इसी के अंदर अंदर कहीं पर भी ओपन हो जाता है एंड फिर इस लेवल को नीचे में ट्रेड कर रहा हूं तो क्वांटिटी फिफ्टी परसेंट आपको रखना है फिफ्टी परसेंट क्वांटिटी में चलो अगर आपने ट्रेड ले लिया उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आने बाद अगर मार्केट वापस नीचे की साइड में निकल जाता है तो फिर मार्केट अगर ये लोअर लेवल के पास आता है तो ठीक है चलते हैं मार्केट के साथ चलेंगे वरना ना एसएल के साथ चलते रहना कभी भी मार्केट यहाँ से यूटर्न मार सकता है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी से कि कल निपट्टी आपका बहुत ज्यादा एसएल हंटिंग करे ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है कल अगर निप्टी में ट्रेड कर रो थोड़ा सा खुद को बचा के रखना है थोड़ा सा समझ के रखना है थोड़ा सा क्वांटिटी को समझा कर ट्रेड करना है जल्दबाजी करके ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है लेकिन कल अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले हो फ्लैट ओपन होकर निकल रहा है ट्रेड कर सकते हैं बिंदास ट्रेड कर सकते हैं और काफी अच्छा ट्रेड में होगा अगर निपटी कहीं पर भी ओपन हो जाता है नाइनटीन थाउजेंड एट फिफ्टी ये सारे लेवल के ऊपर अगर कहीं पर भी ओपन हो जाता है फिर से निफ्टी एक बार शूट अप करने की कोशिश करेगा और, और एक बड़ा मोमेंटम निफ्टी कर सकता है जिस तरीके से मुझे चार्ट दिखा रहा है काफी बड़ा मोमेंटम वापस एक बार कर सकता है लेकिन एक बार सस्टेन करने दीजिए अगर यहाँ पर मार्केट कहीं पर भी ओपन हो रहा है एट के आसपास आसपास एक बार थोड़ा सा सस्टेन तो करने दीजिए फिर निकलेगा तो बड़ा मोमेंटम करने के लिए प्लान हो जाएगा तो क्योंकि आज भी एक बड़ा मोमेंटम हो चुका है तो कल भी एक बड़ा मोमेंटम होने के लिए मार्केट रेडी हो सकता है लेकिन उसके लिए बड़ा गैपअप होना पड़ेगा क्योंकि सेवन से लेकर नीचे की साइड में अगर आप देखते हो तो बहुत कुछ ज्यादा बड़ा यहाँ पर इसको होना पड़ेगा लगभग सौ पॉइंट के आसपास का गैपअप ओपन होना पड़ेगा अगर सौ पॉइंट का गैप अप ओपन हो जाए तो फिर हमने जो प्लान बना के रखा है होल्डिंग के बाद ट्रेड करेंगे तो उसी के लिए प्लान बना सकते हैं उसी का ट्रेडिंग कर सकते हैं और वही चीजें मुझे ज्यादातर दिख रही है दूसरा कुछ मुझे ज्यादा यहाँ पर प्लानिंग नहीं दिख रहा

एवरी पे मैं सेल करने का प्लान बना सकता हूँ ये मेरा निफ्टी के लिए प्लान है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए अलग सा प्लान है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है एक बार बैंक निफ्टी अगर कल डाउन ओपन हो जाए तो क्या कर सकते हैं अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए लाइक दैट एट नाइन फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी थ्री थाउजेंड एट एटी ये सारे लेवल के पास इनके बीच में कहीं पर भी बैंक निफ्टी अगर गैप ओपन हो जाता है गैप डाउन ओपन हो जाता है तो पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ से बैंक निफ्टी यूटर्न मारकर वापस ऊपर जा सकता है और यहाँ से कंप्लीटली यूटर्न मार सकता है इट इज हाईली पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है जिस तरीके से प्लान दिख रहा है क्योंकि मैं निफ्टी अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मैं सेलिंग के लिए प्लान नहीं करने वाला क्योंकि कोई मतलब नहीं सेलिंग करने का लेट्स सी देखते हैं मार्केट कैसा मोमेंटम कर सकता है हम कौन सी चीजों को प्लान बना सकते हैं मैं मिलता आपको कल के लिए लाइव मार्केट में तब तक लेन टेक केयर